दोस्तों इस वीडियो में आपको 10 अलामत बताऊंगा जिससे आपको इस बात का इल्म होगा कि लड़की आपसे रابطے में तो है लेकिन आपको कैसे पता चले कि लड़की आपसे बात करना चाहती है। नंबर एक पे है देखने का मौका देगी। दोस्तों बहुत सी चीज़ें हैं जो ख़वातीन करती हैं जिससे इस बात का इल्म हो जाता है कि वो आपसे क्लोज होना चाहती हैं, लेकिन अगर वो नहीं करती तो वो है बात की इब्तिदा। अगर वो किसी से बात की इब्तिदा चाहेंगी, रابطہ चाहेंगी, तो वो अपने हाथ फैलाएगी, वो अपना मोबाइल फ़ोन चलाएगी जैसे उन्हें इस बात का इल्म ही ना हो कि उनके आसपास कोई है। यहाँ तक कि आप भी जो मुसलसल उसे घूरे जा रहे हैं, अगर ऐसा है तो ये पहली निशानी है कि वो आपको मौका दे रही है कि आप रابطے की इब्तिदा करें। नंबर दो, वो गुस्सा करेगी। चाहे ये जानबूझकर हो या गैर इरादी इब्तिदा में, गुस्सा होना फितरी अमल है। ये औरत की बॉडी लैंग्वेज है। जो समझ जाते हैं उनके लिए औरत का हसूल बहुत आसान हो जाता है, औरत का समझना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन उसका आपको देखना आँखों या पलटकर ये इस बात को बेनकाब करती है कि वो रابطہ चाहती है। नंबर तीन, वो जल्दी मानेगी नहीं। किसी लड़की का हसूल इतना आसान नहीं। कुछ नौजवान जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। उन्हें पसंद तो बहुत सी लड़कियां आती हैं और अजीब बात कि उन्हें भी बहुत सी लड़कियां पसंद करती हैं, लेकिन मायूसी मर्द को कामयाब नहीं होने देती। याद रखिए, जब तक उसे अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार ना कर ले, पीछे ना हटिए, कामयाबी लाजमन मिलेगी। नंबर चार, वो परेशान नजर आएगी। जब लड़की किसी लड़के से रابطے में होती है तो ख़ुद को पहले से ज़्यादा बनाती संवारती है ताकि ज़्यादा पुरकशिश नज़र आए। उसके लिए वो अपने कपड़े, अपने बाल बनाती नज़र आएगी। वो शीशे में अपना चेहरा चेक करेगी। इस दौरान वो थोड़ी परेशान और शर्माती हुई नज़र आएगी। नंबर पाँच, वो अपने बालों से खेलेगी। अगर कोई लड़की मोहब्बत में होगी तो आप उसे अपने बालों से खेलते हुए नहीं रोक सकते। ऐसा तब ज़्यादा होता है जब वो आपकी नज़रों के सामने हो, वो आपको थोड़ा घबराई हुई महसूस होगी। नंबर छः, वो अपने जिस्म के कुछ हिस्से खुले रखेगी। वो अपनी कलाइयाँ तो खुली रखेगी, इसी तरह उसकी गर्दन का नज़र आना, अपना दुपट्टा गिरा देना, ये औरत का अपनी पसंद के मर्द को लाशौरी की दावत देता है कि वो उस पर तवज्जो दे और उससे रابطہ करे। नंबर सात, पोशीदा मुस्कुराहट। वो मुस्कुरा रही है या नहीं, ये वो खेल है जो लड़कियों को अच्छे से आता है। जब आप उसे देखते हैं और आप उसे पसंद आने लगते हैं तो वो समझ जाती है कि आप उसकी तलाश में हैं। उसे इस बात का अच्छे से इल्म होता है कि आपकी जानिब से जल्द छेड़छाड़ का आगाज़ हो सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहने का सिलसिला जारी रखें। अगर आपको लगे कि वो तैयार है तो मौका महल देखकर इब्तिदा करें, ख़ासकर उस वक्त जब उसका मूड अच्छा हो। नंबर आठ, अगर वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखे और अक्सर आप में खोई रहे, कभी कभार वो किसी चीज़ से टकरा भी जाए, तो इसका मतलब बहुत वाज़े हो जाता है कि वो आप पर फिदा है। बस आपको सिर्फ स्विच ऑन करना है। नंबर नौ, अगर वो आपको इशारे दे। औरत के इशारे मर्द से कुछ मुख्तलिफ हो सकते हैं, जैसे हील वाले शूज़ पहनकर टिक टिक की आवाज़ पैदा करना, पायल पहनना, ज़ोर ज़ोर से बातें करना, हंसना, या बातों ही बातों में किसी और से बातें इस तरह करना कि आप समझ जाएं कि इशारा आपकी जानिब है। औरत का ऐसा करना आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए होता है ताकि आप उससे रابطہ करें। नंबर दस, आँखों से रابطہ। अगर कोई लड़की आपको बहुत देर तक देखे, मतलब घूरे, और आप उसके देखने का जवाब ऐसे ही देखने के साथ साथ मुस्कुराने से दें, तो ये औरत के लिए जमानत है कि वो महफूज है। मुमकिन है वो आपको छुपकर देखे या किसी के पीछे से, इसका मतलब वो इस इंतज़ार में है कि आप इब्तिदा करें।